चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान के अनादि अनंत जानने जानने रूप परिणमन में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का एक समय के लिए भी मिलन नहीं हुआ, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। देह रूपी राख की दीवार के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर, मांस खून हड्डी चमड़ी आदि मलिन पदार्थ तो अत्यंत दूर, पर द्रव्य के आश्रय से पर द्रव्य के लक्ष्य से नीज आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव भी जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में मिले नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। रागादि विकारी भाव तो अत्यंत दूर, ये रागादि विकारी भाव स्वयं को पहचानते नहीं है कि वे रागादि विकारी भाव है। क्रोध यह नहीं जानता कि मैं क्रोध हूं। विकार विकार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। विकारी भाव जिस ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसा एक समय का ज्ञान का जानने रूप परिणमन और ऐसा निरंतर पलटता ज्ञान का प्रवाह प्रति समय नए नए पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं, फिर भी दर्पण की स्वच्छता की भांति ये ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होते हैं मगर ज्ञान स्वरूप के निकट नहीं आते, मेरे निकट नहीं आते। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव अलिप्त ज्ञायक देव हूँ। जानने रूप परिणमन हो
जान्य रूप कार्य हो। मगर जो ज्ञान नए नए पदार्थों को जानता है, जो ज्ञान प्रति समय पलटता है, वह ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अनित्य नहीं हूं, मैं नित्य हूं। विकल्प में तो एकत्व नहीं, विकल्प को जानने रूप परिणमन होता है। उस परिणमन की और भी दृष्टि न जाए, और दृष्टि का विषय एकमात्र त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा ही मैं हूं। पलट जाए वह मैं नहीं। नए नए ज्ञेयों को जो जानता है वह मेरा स्वभाव नहीं है। एक ज्ञेय से हटकर दूसरे ज्ञेय की ओर जाए, दूसरे ज्ञेय से तीसरे ज्ञेय की ओर जाए, यह तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। मगर अपने में रहकर के जानने रूप जो परिणमन होता है, उस जानने रूप परिणमन से भी ज्ञानी को निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। ये जानने रूप परिणमन की धारा जानने रूप परिणमन की गंगा आत्म स्वरूप में मिलती नहीं है। इसलिए यह जागृति जब भी ये सुनाई दे कि मैंने राग को जाना, द्वेष को जाना, अपना हिस्सा अलग दिखाई दे। राग को जानने वाले ज्ञान से स्वयं की सत्ता अलग है, यही मैं हूं। द्वेष को जानने वाले ज्ञान से स्वयं की सत्ता अलग है, यह सत्ता दृष्टि में रहती है। वस्तु स्वरूप में से पर्याय दूर नहीं होती, मगर ऐसा स्वरूप दृष्टि में आया कि पलटते अंश में रुचि न रही। नया 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 जो जाने, जो ज्ञान मेंढक की भांति है, एक स्थान पर टिके नहीं और पलटता जाए, एक जगह पर टिक न सके, ऐसा मेंढक की भांति नए नए ज्ञेयों को जो जानने जाता है, यह ज्ञान आत्म स्वरूप नहीं है। क्रोधादि विकारी भाव तो आत्म स्वरूप नहीं है, मगर मेंढक की भांति उछलता उपयोग भी आत्मस्वरूप नहीं है। शुभोपयोग अशुभोपयोग आत्मस्वरूप नहीं है। इसलिए इस उपयोग को पर से अब अपने में लाओ। जो उपयोग पर में जाता है उस उपयोग को अपनी ओर लाओ। ऐसी दृष्टि ज्ञानी के भीतर होती ही नहीं। व्यवहार से निश्चय की यात्रा।
कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन होता हूँ। जो उपयोग आत्मस्वरूप में लीन होता है, उस उपयोग की महिमा ज्ञानी को नहीं है। एक समय के लिए भी एकत्व नहीं है कि यह उपयोग पर से हट गया और स्वरूप सन्मुख हो गया, क्योंकि जो पर से हटकर स्वरूप सन्मुख हुआ वह तो वह है जो मेंढक की भांति उछलता था। जो उछलता था वही स्थिर हुआ, अर्थात कुछ नया हुआ, और जिसमें ये नया हुआ वह मैं नहीं। इसलिए शुद्धोपयोग से न्यारा आत्मस्वरूप, ये स्वरूप स्वरूप मैं हूँ। नियुक्ति क्रिया से भी न्यारा यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। किसे जानता है उस पर जोर नहीं, जानता है उस पर भी जोर नहीं, क्योंकि जानना 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 ये हो रहा है। ये निरंतर जानना 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 ये हो रहा है। उसे प्रधानता देते ही जिसमें वो नहीं रहा जो है, ऐसी सत्ता का अनादर होता है। उस अनादर से भी सत्ता का कुछ नहीं बिगड़ता, उस अनादर से भी न्यायक देव में से कुछ कम नहीं होता। यह न्यायक देव तो परिपूर्ण है, जो है वही है। ऐसा महिमावान न्यायक देव मैं हूं। रोम रोम पुलकित तो हो, देह के प्रत्येक परमाणु में रोमांच हो कि ऐसा अद्भुत स्वरूप मेरा कि जो जानने तक नहीं जाता, जो जानना 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 उसकी रुचि लेते ही न्यायक देव का अनादर होता है, और न्याय का अनादर भी हो मगर बिगड़े कुछ भी नहीं, उसका अनादर कौन कर सकता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग सूर्य की ओर न देखे तो सूर्य का अनादर कैसे होगा। सूर्य की चमक कम नहीं होती, अनंत 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 पर्याय भूतकाल में मेरी और नहीं देखी, मगर ये घन जो घन है, जो प्रवाह नहीं है, वो घन का अनादर हो कैसे। घन के न दो टुकड़े होते हैं, घन जो न प्रवाहित तो होता है, घन जो न पिघल जाता है, घन जो न व्याकुल होता है, घन को जानने तक का भी भाव नहीं है, जानने तक की भी क्रिया नहीं है। करोति क्रिया हो, ज्ञप्ति क्रिया हो, यहां तो क्रिया ही नहीं है, यहां सत्ता है।
और यह सत्ता का भाव एक समय नहीं, यह मनुष्य भव नहीं। सत्ता दृष्टि में आते ही एक त्रिकाल घन, एक त्रिकाल अनादि अनंत, यही मैं हूं। उसमें अनंत देह के परमाणुओं का ढेर नहीं आता, उसमें अनादि काल की विकृतियों का ढेर नहीं आता, उसमें अनादि अनंत जानने का प्रवाह भी नहीं आता। इसलिए जानना जानना जानना, मैंने अनादि काल से पर को ही जाना, अपने को नहीं जाना। जिसने अनादि काल से पर को ही जाना, जानान जानान, जो जानता है वह मैं नहीं, ज्ञान का घनपिंड चैतन्य घनपिंड मैं हूं, पिंड में हूं, प्रवाह में नहीं हूं, अनित्य में नहीं हूं, नित्य ध्रुव मैं हूं, यही आत्म स्वरूप है। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। यह घोषणा भी, यह उद्घोष भी पर्याय में होता। वाणी मुख से निकलती है, विकल्प परिवार जनों का है, मगर दृष्टि जो स्वरूप में स्थित होने वाला, स्वरूप में लीन होने वाला जो ध्यान है, उस ध्यान पर भी दृष्टि नहीं है। उस समय भी, एक समय के लिए भी विस्मृति नहीं है। वाणी निकले, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, उस समय भी यह भाव नहीं है कुछ नया हो रहा है मुझ में। उस समय भी यही दृष्टि है जिसमें कुछ नया नहीं होता, जिसमें कुछ पुराना नहीं होता, जिसमें उत्पाद नहीं, जिसमें व्यय नहीं। यह ध्रुव सत्ता मैं हूं, यही समय का सार है, यही समय सार है। और जहां जानने के परिणमन में मैं पना न रहा, जो ज्ञान बिखरता नहीं है, जो ज्ञान जीर्ण शीर्ण होता नहीं है, और जो ज्ञान अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना नहीं है, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह। नदी में जो पानी बहता है उसमें तो अनंत अनंत परमाणु है, अनगिनत पानी की बूंद से मिलकर के नदी का प्रवाह बहता है। वहां तो बूंदों की मिलावट है, मगर यहां जो ज्ञान का प्रवाह है इसमें मिलावट नहीं है, इसमें अखंडिता है, अभेदता है। ऐसा जो अभेद ज्ञान है, यह ज्ञान का प्रवाह, उस प्रवाह में मिलावट नहीं है शरीर के परमाणु की भांति। जिस जानने के प्रवाह में मिलावट नहीं, उस प्रवाह में भी जिसका अपनापन नहीं, उस प्रवाह को भी जो आत्म स्वरूप नहीं देखते और चैतन्य घन को आत्म स्वरूप देखते हैं,
ऐसे ज्ञानी ये कैसे माने कि मैं भविष्य में लुका लोक को जानूंगा, भविष्य में लुका लोक को जानूंगा, माने भविष्य वाला कोई और हो गया, वो त्रिकाल एक रूप न रहा। वर्तमान में तो लुका लोक को नहीं जानता, भविष्य में मैं लुका लोक को जानूंगा, माने कोई नया होगा। जो जानने वाला होगा, जो वर्तमान में तो नहीं जान रहा, कुछ नयापन होगा। आत्मस्वरूप का भाव यही है कि पर्याय जाने 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 जाने, एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय, दूसरे ज्ञेय से तीसरे ज्ञेय, तीसरे ज्ञेय से चौथे ज्ञेय, ऐसे ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये अवस्था आत्मस्वरूप नहीं है। इस अवस्था में आत्मस्वरूप का विस्तार नहीं है। ऐसा जो चैतन्य घन स्वरूप ये ज्ञायक देव है, उसी में ऐसी एकता, उसकी ऐसी पकड़, उसी में ऐसी दृष्टि अब लगता ही नहीं। अब कोई कहे कि आप आत्मज्ञानी हो, मैं आपको भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं, आपने आत्मा को जाना, आप महान हो। मगर ज्ञानी तो यह मानते हैं आत्मा को जाना, जाना किसने? वो जो जानने वाली अवस्था है उसमें तो मैं पना है ही नहीं, मैं ध्रुव ज्ञायक, वो पर्याय में एकत्व न हुआ। इसलिए आत्मज्ञानी सुनते ही वो अहंकार का कीड़ा उछला नहीं, न्यायक देव की और दृष्टि बनी रही कि वितरागता में वृद्धि होती रही। बाहर में कान में सुनाई दे अहो अहो श्री सद्गुरु, मगर भीतर में तो यही कि कौन सद्गुरु? मैं सद्गुरु नहीं, मैं सत सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूं। ये ध्रुव सत्ता में एकत्व, यह चैतन्य 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 घन, यह आत्मस्वरूप है। मृत्यु से पहले जिसे ये समझ प्रकट हुई, धन्य भागी है वे। अब अनंत सिद्धों के मेले में विराजमान होंगे, वे ही परम कृपालु देव हैं, जिसकी दृष्टि में आत्मा को जानने वाली पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है, परम चैतन्य तत्व है। इसलिए अनादिकाल से आत्मा को नहीं जानने वाली जो पर्याय, उस वजह से रोना नहीं होता। अभी किसी ने कहा कि आपने आत्मा को पहचाना, जाना, आप महान हो, तो ये भाव आएगा कि अनादि से नहीं जाना था तो मैं नीचा हूं। मगर ज्ञानी तो यह मानते हैं तीनों काल में मैं महान हूं, भूत काल में, वर्तमान काल में और भविष्य में। ऐसा जो त्रिकाल महान, ऐसा त्रिकाल परमात्मा, यह मैं हूं। यह द्रव्य दृष्टि है, यह चैतन्य दृष्टि है, यह द्रव्य दृष्टि, यह चैतन्य दृष्टि। मगर दृष्टि की रुचि नहीं, द्रव्य की रुचि। हीनता का भाव नहीं आता, अरे मैंने आत्मा को अनादि से नहीं जाना,
नहीं जानने वाली और उछल कूद करने वाली, पर को जानने वाली वह भी अवस्था, अपने को जानने वाली भी अवस्था। मगर किसे जानने वाली उसके भेद में जो न जाए, और जानना जानना जिसका स्वभाव है, वह स्वभाव ही मैं नहीं, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप हूँ, यही मैं। कोई मुझे बुलाना मत, ये वाणी में और ये विकल्प में मैं नहीं, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। ये लीन होने वाली अवस्था में एकत्व नहीं, आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप।